एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे सदन में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार ने सदन में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन पर चर्चा की मांग की है। सदन के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिस पर हम चर्चा की मांग करेंगे। वहीं बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर बजट जनहितैषी है तो लाडली बहनों की राशि क्यों नहीं बढ़ाई गई? गेहूं और धान खरीदी की राशि बढ़ाने का जो वादा किया था वह सरकार क्यों भूल गई? किसानों की उपज को उचित दामों में क्यों नहीं खरीदा जा रहा? देखिए, आप बजट में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो योजनाएं थी, नई योजनाओं पे इन्होंने कोई विचार नहीं किया, और जो इनके घोषणा पत्र थे जिसपे सरकार आई थी इनके 2023 में, लाडली बहना के लिए 3000 करने वाले थे, लेकिन इन्होंने बजट में उसका प्रावधान नहीं रखा। 2700 रुपए इन्होंने गेहूँ खरीदी के लिए किया था, आज उसका नहीं आया। 3100 रुपए आपका था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गेहूँ हो, चाहे धान खरीदी हो, चाहे लाडली बहना, ये महत्वपूर्ण योजना है जो सरकार अपने एजेंडे में थी, घोषणा पत्र में था। क्यों सरकार किसानों के साथ छल कर रही, क्यों महिलाओं के साथ, लाडली बहनाओं के साथ छल कर रही, मोहन यादव सरकार बताए। वहीं दूसरी तरफ लाडली बहना योजना पर कांग्रेस के आरोपों को महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि लाडली योजना में निरंतर लाभार्थियों को राशि दी जा रही है, यह योजना बंद नहीं होगी आने वाले समय में और नए फॉर्म भरे जाएंगे, इस योजना से कोई वंचित नहीं रहेगा। लाडली लक्ष्मी का भी प्रावधान किया है और लाडली बहना को भी प्रावधान किया है, और जहाँ तक बढ़ाने की बात है तो आने वाले समय में सोचेंगे ना, ये तो रहे विचार करेंगे। अभी जितना दे रहे हैं उतना हम लोग दे रहे हैं और हर महीने उनके खाते में डाल रहे हैं, और आने वाले समय में देखेंगे हम लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नाम कोई नहीं कट रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।